मुरादाबाद के छजलैट बवाल में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं विधायक रामपुर मोहम्मद आजम खान की तबीयत खराब हो जाने के कारण शुक्रवार को वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण अदालत ने इस प्रकरण में आरोपियों के बयान दर्ज करने की अग्रिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में बसपा शासनकाल के दौरान छजलैट थाना क्षेत्र में तत्कालीन थाना अध्यक्ष छजलैट आसिफ अली खान द्वारा आजम खान के काले शीशे चढ़े वाहन को रोके जाने के बाद बवाल हो गया था, जब आजम खान पुलिस पर पक्षपात एवं बदले की भावना से कार्यवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए वहीं धरने पर बैठ गए थे। आजम खान के धरने पर बैठे जाने की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पहुंच गए थे। इस मामले में छजलैट थाना पुलिस द्वारा आजम खान, उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम, समाजवादी पार्टी के विधायक गण महबूब अली, मनोज पारस, पूर्व विधायक गण नईमुल हसन एवं हाजी इकराम कुरैशी के अलावा सपा नेता डीपी यादव, राजकुमार प्रजापति एवं राजेश यादव के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, जाम लगाकर यातायात बाधित करने आदि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ये प्रकरण मुरादाबाद के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट एसीजेएम 4 में विचाराधीन है। इसी मामले में आज सभी आरोपियों के 313 के अंतर्गत बयान दर्ज होने थे, लेकिन आजम खान लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और अब्दुल्ला आजम उनकी तीमारदारी में लगे हैं। ये बात आजम खान के अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा द्वारा अदालत को लिखित रूप में बताई गई और अदालत से इस प्रकरण में लंबी तारीख दिए जाने का अनुरोध किया गया। अदालत द्वारा इस मुकदमे में आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए अग्रिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की गई है। आजम खान एवं अब्दुल्ला आजम के अलावा शुक्रवार को मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में अन्य आरोपियों में महबूब अली, मनोज पारस, नईमुल हसन, हाजी इकराम कुरैशी एवं डीपी यादव हाजिर हुए थे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए इस प्रकरण के आरोपी विधायक मनोज पारस एवं पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने संयुक्त रूप से बताया। आपकी जानकारी में होगा कि छजलैट में एक मुकदमा माने आजम खान साहब की गाड़ी को रोक लिया गया था, उसके संबंध में एक झूठा मुकदमा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लगा था। उसी संबंध में आज तारीख थी और हम लोगों को उसमें बनाया गया झूठा, हम लोग उसमें आए थे आज। लेकिन आजम खान साहब की तबियत खराब होने की वजह से अब नेक्स्ट डेट पर जो भी कार्रवाई होगी उसकी तारीख लगेगी। इसमें कुल कितने आरोपी हैं? इसमें 10 लोग आरोपी हैं, सभी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में झूठा मुकदमा समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ लगाया गया था। मेरी सबकी नॉलेज है और उम्मीद है कि हमें न्यायालय का भरोसा है, वह जल्दी खत्म हो जाएगा और सब भाई से बरी होगी। रियाज जी, आप अदालत में हाजिर हुए थे, किस मामले में? वही छजलैट का जो मामला है। क्या फैसला हुआ आज? आज उसमें साइन कर दिए हैं, अब तारीख जो भी अदालत देगी उस तारीख पर फिर हाजिर हो जाएंगे। ये कब का मामला है? ये मामला है 2007 का। अच्छा, आपके अलावा इसमें और कौन आरोपी हैं? आजम भाई हैं, महबूब साहब हैं, नईमुल हसन हैं और बहुत से लोग। तो आज कोई सुनवाई नहीं हो पाई? नहीं, आज कोई सुनवाई नहीं।